नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 18 अप्रैल दिन मंगलवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी को दी ये नसीहत, जो पिएगा वो मरेगा वाले बयान के लिए माफी मांगी सुशील मोदी। अजीत पवार के अगले कदम को लेकर चल रही अटकलों के बीच शरद और अनिल पाटिल ने कही ये बात। कन्हैया कुमार ने अमित शाह से कहा कि उस वक्त भी गन का राज होता तो आज आप कहां होते। कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मोदी के साथ आ सकते हैं योगी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी को दी ये नसीहत। जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण का काम पिछले कुछ दिनों से बिहार में शुरू किया जा चुका है। वहीं कोड नंबर को बिहार के सभी जातियों के साथ साथ देश के सभी राज्यों के लिए भी जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि राहुल गांधी द्वारा भी बिहार सरकार के इस फैसले को समर्थन दिया जा रहा है। अब इन सबके बीच जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह का एक ट्वीट भी सामने आया है, जहां उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक सही कदम है और इसका स्वागत है। साथ ही आगे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि बिहार की कई जनहित योजनाओं को आपने बाद में राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल किया है, इसलिए बिहार में हुए इस जाति आधारित जनगणना को भी पूरे देश में करवाएं, ताकि देश में सभी जाति वर्ग को आबादी के अनुरूप सत्ता में भागीदारी और हिस्सेदारी मिलने का रास्ता साफ हो सके। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर विश्वासघात के लगाए आरोप। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच आधे घंटे तक चलने वाली एक बड़ी बैठक की खबर सामने आई है, जहां अपने पुराने सहयोगी रहे भाजपा जनता पार्टी पर उद्धव ठाकरे द्वारा जमकर निशाना साधा गया। दरअसल उनके द्वारा कहा गया है कि हमने 25 से 30 सालों तक बीजेपी के साथ संबंध बनाए रखे, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि कौन दोस्त है और कौन विरोधी है। ऐसा कहते हुए उन्होंने बीजेपी पर विश्वासघात करने का भी गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर ही केंद्र सरकार को नरभक्षी और सत्ता का भूखा कहा। बिहार में कागज पर छोड़कर कहीं भी शराबबंदी लागू नहीं। जहरीली शराब से मारे गए लोगों को 4 लाख रुपए दिए जाने की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कही गई है। साथ ही मुआवजे की राशि को लेकर सरकार द्वारा कुछ शर्तें भी रखी गई, जहां कहा गया है कि मुआवजे की राशि उन्हीं पीड़ित परिवारों को दी जाएगी जो इस बात का खुलासा करेंगे किस स्रोत से शराब खरीदी की गई थी और लिखित रूप में देंगे कि अवैध शराब के सेवन के बाद ही उनके परिजन की मौत हुई है। लेकिन अब इस मामले को लेकर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्हें सीधे तौर पर कहा कि बिहार में कागज पर छोड़कर कहीं भी शराबबंदी लागू नहीं है। शराबबंदी को फेल बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी होम डिलीवरी भी हो रही है। मुआवजे वाली बात को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और कहा कि मुख्यमंत्री भूल गए हैं कि उन्होंने विधानसभा में साफ तौर पर कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा, सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी। बेटा में बालू माफियाओं द्वारा महिला पुलिसकर्मी पर हमले को लेकर आरसीपी सिंह ने साधा निशाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर बीटा में बालू माफिया की गुंडागर्दी और महिला पुलिसकर्मी की पिटाई को लेकर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट के माध्यम से मंगलवार को कहा कि नीतीश बाबू, आप और आपके उप मुख्यमंत्री कल पड़ोसी राज्य की कानून व्यवस्था पर लंबी लंबी बातें कह रहे थे, लेकिन कल ही पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बालू माफियाओं और उनके दरिंदों ने किस प्रकार से आपकी सरकार के खनिज विभाग के पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला किया, पता है ना? यदि आपको पता नहीं चला है तो आप पता कर लीजिए। उस समाचार को पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बहादुर महिला खनिज पदाधिकारी अपने कर्तव्य के पालन हेतु घटना स्थल पर गई थी। बालू माफिया और उसके गुंडे उस महिला पदाधिकारी पर जान मारने की नीयत से आक्रमण कर रहे थे तथा वो असहाय होकर गिर गई। किसी खास एजेंडे नहीं बल्कि निजी काम से आया हूँ दिल्ली, टीएमसी नेता मुकुल रॉय। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के बेटे ने अपने ही पिता के लापता होने की शिकायत कलकत्ता के किसी थाने में करवाई थी। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय द्वारा सोमवार को ही इस बात का दावा किया जा रहा था कि अब इन खबरों के बीच खुद मुकुल रॉय द्वारा ही इस बात की जानकारी पत्रकारों को दी गई है कि मैं किसी निजी काम से दिल्ली आया हूँ, यहाँ उनका कोई खास एजेंडा नहीं है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मैं कई सालों तक संसद सदस्य रहा हूँ, क्या मैं दिल्ली नहीं आ सकता? पहले भी मैं नियमित तौर पर दिल्ली आता रहता था, लेकिन मुकुल रॉय किसी निजी कार्य से दिल्ली गए हैं इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है। बता दें कि इन दिनों पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका अगला कदम क्या होगा, इस बात की चर्चा तेज है। जो पिएगा वो मरेगा वाले बयान के लिए माफी मांगनी सुशील मोदी।
पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को मुआवजा देने से साफ मना कर दिया गया था, लेकिन अब कुछ शर्तों के साथ मुख्यमंत्री द्वारा मुआवजा देने की घोषणा कर दी गई है, जिसे लेकर सियासत में खूब बयानबाजी देखने को मिल रही है और विपक्ष नीतीश को निशाना बनाते दिख रहे हैं। दरअसल इस मामले को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है, जहाँ उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से मरने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा बीजेपी के दबाव में और आधे अधूरे मन से की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को जो पिएगा वो मरेगा वाले बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जहरीली शराब पीने से मरने वालों और उनके गरीब आश्रितों के प्रति ऐसा कठोर रवैया रखने के कारण सैकड़ों परिवार मुआवजा पाने से वंचित रहे। कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मोदी के साथ आ सकते हैं योगी। 4 मई को कर्नाटक के उडुपी में भाजपा कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस बात की खबर भी सामने आई है कि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नरेंद्र मोदी के साथ आ सकते हैं। मालूम हो कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव 10 मई को होने वाला है, वहीं इस चुनाव के परिणाम 13 मई को घोषित होने वाले हैं। अभी वर्तमान में यहां भाजपा की सरकार मौजूद है, जिसके मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। राजद ने साधा योगी मॉडल पर निशाना। बिहार की राजनीति भी इन दिनों गरमाई हुई है, जब से यूपी में अतीक अहमद और अशरफ के हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल कुछ दिनों पहले तक विपक्ष बिहार में योगी मॉडल की खूब चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब से यूपी में इस तरह के मामले सामने आए हैं तब से उन्होंने योगी मॉडल की चर्चा को दिया। लेकिन अब योगी मॉडल की इसी चर्चा को राजद द्वारा शुरू कर दिया गया है। दरअसल राजद की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे थे, स्वयं पर लगे मुकदमे उन्होंने स्वयं क्यों हटाए, देश जानता है कि वो कितना डरपोक था। जब सदन में चिंघार मार मार रोता था, वो लोकतांत्रिक सरकारें थी जो मानवीय पहलुओं पर काम करती थी। सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाला ये सीएम जाति धर्म देखकर काम करता है। अजीत पवार के अगले कदम को लेकर चल रही अटकलों के बीच शरद और अनिल पाटिल ने कही ये बात। अपने भतीजे और पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार के अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब इन अटकलों को एनसीपी के प्रमुख शरद पवार द्वारा खारिज कर दिया गया है। इन अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी ने भी एनसीपी विधायकों की बैठक नहीं बुलाई है। अब इन मामलों के बीच एनसीपी नेता अनिल पाटिल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने शरद पवार को लेकर कहा है कि दादा एनसीपी के साथ है, उनका जो भी फैसला होगा हम उनके साथ होंगे। बिहार में बालू माफियाओं को लेकर विपक्ष ने की दोषियों के एनकाउंटर की मांग। खनन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बेरहमी से दौड़ा पटना के बीटा में बालू माफियाओं द्वारा लाठी डंडे से पीटा गया, जहां एक महिला अधिकारी पर भी हमला किया गया है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले रही है। दरअसल भाजपा के विधायक नीरज बबलू द्वारा कहा गया है कि बिहार में यह जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहां सरकार के अधिकारी छापेमारी करने जाते हैं और सरकार के संरक्षण में पल रहे बालू माफिया उन पर ही हमला करते हैं और उन्हें बेरहमी से मारते हैं। यहां तक यह भी नहीं देखते हैं कि उनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है, जिसके साथ ऐसा होने पर बिहार की छवि कैसे सामने आएगी। साथ ही साथ विधायक ने इस घटना को शर्मसार करने वाली घटना भी बताई और कहा कि बिहार में शासन प्रशासन पर मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है। स्थिति यह है कि बिहार में बालू माफिया अलग और शराब माफिया अलग खुलेआम सरकार के संरक्षण में अपना धंधा चला रहे हैं। वहीं नीरज बबलू द्वारा कहा गया है कि माफियाओं को रोकने का यही उपाय है कि यहां योगी मॉडल लागू किया जाए और अपराधियों का सीधा एनकाउंटर किया जाए। कन्हैया कुमार ने अमित शाह से कहा कि उस वक्त भी गन का राज होता तो आज आप कहां होते। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की यूपी में हत्या को लेकर निशाना साधा है। दरअसल सोमवार को आयोजित हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले को लेकर कन्हैया द्वारा कहा गया है कि इस मामले पर गृह मंत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और वे इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं। साथ इन्होंने कानून के राज को स्थापित करने और बंदूक के राज को लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी बताया। कन्हैया कुमार ने अमित शाह को याद दिलाते हुए कहा कि एक वक्त आप भी तरी पार थे, लेकिन देश में कानून का राज था तो आप बड़ी हुए और चुनाव लड़कर देश के गृह मंत्री बन गए। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कन्हैया ने कहा कि ये भी कहा है कि यदि उस वक्त भी गन का राज होता तो आज आप कहां होते। तेजस्वी पर भी बीजेपी ने उठाए थे सवाल। अब अतीक को जी कहने पर बीजेपी नेता सम्राट भी आए घेरे में।
पुलिस के गिरफ्त में होने के बाद भी यूपी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या यूपी में कर दी गई थी। इससे पहले भी अतीक के बेटे और हत्या का आरोपी असद और गुलाम का एनकाउंटर देखने को मिला था, लेकिन इस मामले को लेकर बिहार का सियासी पारा तब चढ़ा जब तेजस्वी यादव द्वारा अतीक को जी कहकर संबोधित किया गया था। दरअसल भाजपा द्वारा इस पर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन अब इसके उलट भाजपा बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा भी अतीक को जी कहकर संबोधित किया गया है। दरअसल पत्रकारों के एक सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा था कि अतीक अहमद जी की हत्या आरोपियों ने की है, न्यायिक जांच की जा रही है, जिसे लेकर अब राजद द्वारा भाजपा से ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सीबीआई पर कोर्ट की अवमानना करने का अभिषेक बनर्जी ने लगाया आरोप। अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्हें सीबीआई के तरफ से नया नोटिस भेजा गया है। दरअसल कोर्ट की अवमानना करने का आरोप सीबीआई पर अभिषेक बनर्जी द्वारा लगाया गया था। अपने आरोप में अभिषेक द्वारा कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी उन्हें सीबीआई का नोटिस आया। इसके बाद अब सीबीआई का दूसरा नोटिस भी आ चुका है, जहां इस नोटिस में कहा गया है कि अभिषेक को पेश होने के लिए जो नोटिस था उससे फिलहाल रोक दिया गया है। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 अप्रैल तक अभिषेक बनर्जी को राहत दी थी, साथ ही हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक भी लगा दी गई थी। इसके बाद भी सीबीआई द्वारा नोटिस भेज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक एक और नोटिस भेजते हुए इसे रोक दिया गया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर खर्च हो रहे 40,000 करोड़ रुपए का प्रशांत किशोर ने बताया बंदरबांट। इन दिनों जनसुराज की पदयात्रा जारी है। इस पदयात्रा को लेकर प्रशांत किशोर आज वैशाली के अलग अलग गांव में पदयात्रा कर रहे हैं। अपने पदयात्रा के दौरान उन्होंने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जितने लोग रहते हैं उनमें ज्यादातर लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग पेट काट कर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को सोचने की जरूरत है कि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो कलेक्टर की जगह मजदूर ही बनेंगे। इस गरीब बिहार में हर साल बिहार सरकार के 40,000 करोड़ रुपए शिक्षा के नाम पर खर्च हो रहे हैं, जो शिक्षा के नाम पर बंदरबांट हो रहा है। यही कारण है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल नहीं रही। बिहार में बालू माफियाओं द्वारा पदाधिकारियों पर हुए हमले पर खान एवं भूतत्व मंत्री का आया बयान। पटना बिहार में बालू माफियाओं द्वारा पदाधिकारियों पर हमले के कारण बिहार की सियासत का पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। बता दें कि अब इस मामले को लेकर खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव का बयान सामने आया है। इस घटना के सामने आने के बाद उनके द्वारा कहा गया है कि वे खुद घटना स्थल पर जाएंगे और वहां का निरीक्षण करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि वहां जाने के बाद यह स्पष्ट होगा कि क्या हुआ था और हमें क्या कार्रवाई करनी है। फिलहाल यही से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही 45 लोगों को गिरफ्तार करने और लगभग 50 वाहनों के पकड़े जाने की बात भी उनके द्वारा कही गई और कहा गया कि उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे सवालों का जवाब दिया गया है उनके नाम है सुरेश ओरम, सुधा कुमारी, देवदत्त कुमार, मोहम्मद साजिद हुसैन, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद साकिर हुसैन, अंशुप्रिया, सुदाम कुमार। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बालू माफियाओं पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।